बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम फोनिक का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तमाम बच्चे फोनिक की बुक अपने सामने रखिए। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 12। ये देखिए, पेज नंबर 12 यहाँ मेंशन हुआ हुआ है। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ आज की डेट मेंशन करनी है और यहाँ लिखेंगे आप C.W क्लास वर्क। उसके बाद देखिए कॉर्नर्स पे ये आइकन्स बने हुए हैं। मेरे साथ तमाम बच्चे काउंट करें कितने आइकन्स हैं। 1, 2, कितने आइकन्स हैं? 2 आइकन्स हैं। और 2 आइकन्स कौन से हैं? रीड राइट। कौन से हैं? रीड मिस पढ़ना, राइट मिस लिखना। रीड एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स। हमें क्या करना है? पढ़ना है और लिखना है कौन से वर्ड्स? राइमिंग वर्ड्स। चले बच्चों, हम अपना पहला आइकन डन करते हैं। पहला आइकन क्या है हमारे पास? रीड। तमाम बच्चे मेरे साथ पढ़िएगा। खाब खैब एंड फैन, जा एब जैब, इल एब लैब, टा एंड टैन, टा एब टैप। इसमें से हमें क्या करना है? हमें इसमें से राइमिंग वर्ड्स यहाँ लिखने हैं। और राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिनके एंडिंग साउंड सेम होते हैं। चले बच्चों, हम फर्स्ट लाइन में देखते हैं कि यहाँ पर एंडिंग साउंड किसके सेम है और कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं। खा एब खैब, ये देखिए यहाँ पर खा एब खैब लिखा हुआ है, इस पर आप ट्रेसिंग करेंगे। जा एब जैब, और यहाँ क्या लिखेंगे आप? जा एब जैब। सेकेंड लाइन पे आ जाइए, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं। इल एब लैब, यहाँ आप क्या लिखेंगे आप? इल एब लैब। और सेकेंड लाइन राइमिंग वर्ड्स कौन सा है? टा एब टैप, यहाँ आप क्या लिखेंगे? टा एब टैप। इस तरह यहाँ पे कितने वर्ड्स हो जाएंगे? खैब, जेब, लैब, टेप। इस तरह हमारा यहाँ पर फर्स्ट आइकन डन हो गया। हमने रीड भी कर लिया और सेकंड आइकन क्या है हमारे पास? राइट, हमने लिख लिया। अब नीचे की तरफ आ जाइए। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेंटेंस को, यहाँ पर वर्ड्स लिखेंगे। जैसे आ बॉय वेंट टू अ लैब, आप यहाँ क्या लिखेंगे? इल एब लैब। सेकंड लाइन पे आ जाइए, सिटिंग इन अ कैब, ये क्या है? कैब। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? खा एब कैब। ही गॉट अ जेब, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? जा एब जेब। नंबर लास्ट में आ जाइए, एंड ब्रॉक हिज टेप, यहाँ आप क्या लिखेंगे? टेप। टा एब टेप। रिपीट अगेन, मेरे साथ दोबारा पढ़िए। अ बॉय वेंट टू अ लैब, एक लड़का लैब में गया। सिटिंग इन अ कैब, टैक्सी में बैठा। ही गॉट अ जेब, उसने मुक्का खाया। एंड ब्रॉक हिज टैप, और उसका टैप टूट गया। आपको बच्चों समझ में आया? अच्छा अच्छा सा याद करिएगा और फॉर्मेशन के साथ काम करिएगा। उम्मीद है कि आपको अपना काम समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।